अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड का पिन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं पंजाब नेशनल बैंक में नया अकाउंट ओपन किया हूं, अभी तक मिला है। इस एटीएम कार्ड का पिन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी आपके पास पुराना भी एटीएम है, आपका पिन भूल चुका है आप, तब भी आप नया एटीएम पिन बना सकते हैं। तो चलिए, मेरे को नया एटीएम कार्ड मिला है, नया अकाउंट ओपन किया हूं, अभी मैं इसका पिन बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आ चुका हूँ, देखिए एटीएम मशीन में। सबसे पहले मेरे को कार्ड को मशीन में कुछ इस तरह का इंसर्ट कर देना है। गाइस, कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, स्क्रीन में काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट और चेंज पिन GPIN, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस बटन को मैं दबा देंगे। दबाने के बाद मेरा सामने दो ऑप्शन आएगा, OTP जनरेशन और OTP वैलिडेशन। तो मेरे को OTP जनरेशन बटन को दबाएंगे। दबाने के बाद अकाउंट ओपन करने के टाइम जो मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर था उसमें एक OTP आएगा, ठीक है। देखिए, अभी मैसेज चला गया, उस OTP को मेरे को इंसर्ट करना है। तो चलिए, मैं ATM कार्ड को फिर दोबारा इंसर्ट करता हूँ। दोबारा इंसर्ट करने के बाद फिर से वो वाला बटन को दबाएंगे, क्रिएट और जनरेट पिन। दबाने के बाद अभी को मेरे को क्या करना है, देखिए यहाँ पे OTP वैलिडेशन वाला जो बटन है, इस बटन को दबाएंगे। पहले मैं OTP जनरेशन वाला बटन को दबाया, लेकिन अभी मेरे को OTP वैलिडेशन बटन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। दबाने के बाद येस और नो बटन आएगा, तो जो मैसेज मेरा मोबाइल में आया है वो मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मैं लिख दिया, ठीक है, 1478-85। अभी मेरे को येस बटन को दबा देना है। दबाने के बाद दोस्तों, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है पिन चेंज, प्लीज़ इंटर योर पिन। अभी जो मैं अपना मर्जी से पिन रखना चाहता हूँ, वो पिन यहाँ पे मैं 4 डिजिट में लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए, री इंटर योर न्यू पिन, जो पिन मैं अभी दिया हूँ वो पिन दोबारा से यहाँ पे इनपुट करना है। करने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, अंडर प्रोसेस में है अभी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। अभी मेरा पिन चेंज हो चुका है, अभी मैं कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। अभी मेरा पिन चेंज हुआ कि नहीं, मैं अभी इसको चेक करेंगे। तो चलिए, मैं कार्ड को दोबारा मशीन में इंसर्ट करता हूँ, अभी मैं बैलेंस चेक करके आप लोगों को दिखा दूंगा। कार्ड को इंसर्ट करने के बाद स्क्रीन में कुछ ऑप्शन आएगा, आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी, इस बटन को दबा देंगे। अभी मेरा यहाँ पे देखिए, डू यू वांट टू रिसीव फॉर दिस ट्रांजेक्शन, अगर आप रिसीव लेना चाहते हो तो येस बटन को दबाना है। मैं नो बटन को दबा देता हूँ, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे को रिसीव लेना नहीं है। अभी जो पिन अभी मैं बनाया हूँ, वो पिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी अंडर प्रोसेस में है। देखिए, ये मेरा बैलेंस शो हो गया, ठीक है, यानी मेरा पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अभी मैं चेक भी कर ले हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पूरी तरीके से समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। गाइस, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो आके देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में घंटी बटन को ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।